अहमदाबाद में हिंदुओं ने एक डिलीवरी बॉय को पीटा क्योंकि उसका नाम था मोहम्मद अनस। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश में किस तरह से मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया गया है, कैसा मुसलमानों के प्रति सबके दिलो दिमाग में जहर भरा गया है, ये साबित करने के लिए एक और घटना सामने आई है गुजरात के अहमदाबाद से। अहमदाबाद में खोखरा परिष्कर भवन ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पर रविवार 26 सितंबर को एक ऐसी घटना घटी है जहां पर दो लोग साथ में, सुपरवाइजर और डिलीवरी बॉय, सुपरवाइजर हिंदू है और डिलीवरी बॉय मुस्लिम है। पहले सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर, जिसका नाम है अमन सिंह सिसोदिया, इसको रोका और दबंगई से बात की तो अमन सिंह सिसोदिया ने उनसे कहा कि चाचा आप गलत तरीके से बात न करें, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने सीधे उसे एक डंडा लगा दिया। जब मोहम्मद अनस ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे उसका नाम पूछा, जैसे ही उसने कहा मोहम्मद अनस तो उसने सीधा उसको पीटना शुरू किया। इतना ही नहीं, आसपास के लोग भी उस पिटाई में शामिल हो गए। सिक्योरिटी गार्ड ने इन लोगों को आवाजें देकर के बुलाया कि आओ और इसको मारो। पिटाई के दौरान मोहम्मद अनस के मुंह से या अल्लाह करके शब्द निकले तो उसे कहा गया यहां अल्लाह अल्लाह नहीं करने का, तुम मुल्ले लोग लुखेगिरी करते हो, अल्लाह अल्लाह नहीं करने का। ये बात केवल मोहम्मद अनस नहीं कह रहा है, ये अमन सिंह सिसोदिया भी इसकी पुष्टि कर रहा है और कह रहा है कि ये सारी घटना उसके आंखों के सामने हुई है और लोग अनस पर टूट पड़े थे और काफी शोर मचा रहे थे। बहरहाल अहमदाबाद के अमीरावाड़ी पुलिस स्टेशन में मोहम्मद अनस की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, धारा 323, 294 बी, 114 एनएस, 135 एक के तहत, जिसमें चार लोगों को नामजद किया गया है, अंशुल, सुशील, नारायण शंकर दास पटेल और अशोक, ऐसे ये चार नाम है। देखिए ये खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से माहौल बना दिया गया है, कैसे वातावरण निर्मिति की गई है कि कहीं भी कोई भी मुसलमान अगर पहुंचता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, मगर मुसलमान अब कबूल नहीं। शायद यही संदेश गुजरात की भाजपा सरकार दे रही है और केंद्र की भी भाजपा सरकार दे रही है। मोहम्मद अनस के इस मामले ने यह वाजे और साफ तौर पर बयां कर दिया है।